चोलर का फोन है। हेलो, जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। अहम दिख रहा, वो दोपहर तक दूसरा कंगन भी बन जाएगा, तो आप किसी को भेजकर मंगवाओगे क्या? जी, वो पेमेंट का क्या करना है, चेक या कैश? अहम दिख रहा, घर की बात है, बरसों पुराना व्यवहार है। चल तो सब जाता, पर अगर कैश हो जाए तो ज्यादा अच्छा होगा। ठीक, मैं ऐसा करता हूँ, मैं खुद आ जाता हूँ, कंगन भी उठा लूंगा और पेमेंट भी कर दूंगा। मैं 4 बजे तक आता हूँ। हाँ, जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। दूसरा कंगन भी दोपहर तक तैयार हो जाएगा, लेकिन मुझे खुद ही लेने जाना पड़ेगा। हेलो। हाँ हेलो, मैं मल्ला देसाई बोल रहा हूँ। कहिए देसाई साहब, आज हम मीटिंग पर मिल रहे हैं ना? जी जी बिल्कुल, मैंने ये बताने के लिए फोन किया है कि मैं आपके घर ही आ रहा हूँ। अरे आप परेशान क्यों हो रहे हैं, मैं और जिगर आपके ऑफिस ही आ जाते हैं। दरअसल मेरी एक दूसरी मीटिंग आपके घर की तरफ ही है, तो सोचा आपके घर पर ही मिल लेते हैं। चलिए ठीक है। एक बात और, हम 6 बजे के बजाय 4 बजे ही मिलेंगे। ओके फाइन, हम 4 बजे मिलते हैं। एमजी, क्या बात है? ये क्लाइंट मुझे 4 बजे मिलना चाहते हैं मीटिंग के लिए, लेकिन 4 बजे तो मुझे कंगन भी उठाने जाना है। गोपी, तुम खुद जाके कंगन ले आओ। मैं? पर एमजी। गोपी, तुम्हें तो डिजाइन भी अच्छे से याद है, अगर उसमें कोई कमी हुई तो तुम पारिक भाई को बता भी सकती हो। जी ठीक है, मैं ऑफिस के लिए निकलता हूँ, आप पैसे कपड़े में रखिए, तुम ले लेना। पर मैं कंगन लेने अकेली कैसे जाऊंगी? भाई आप आइए ना। जिगर, मैं बस इतना कहने आया था कि मिस्टर देसाई मीटिंग के लिए 4 बजे सीधे घर पर ही आ रहे हैं। हम लोग ऐसा करते हैं, ऑफिस जाकर जल्दी घर लौटाएंगे। जी भाई। तो जल्दी से तैयार हो जा, मैं तेरा नीचे इंतजार कर रहा हूँ। जी भाई। हाँ? थैंक यू भाई, आपने मेरे लिए इतना कुछ किया, वह मैं कभी नहीं भूलूंगा। अब जल्दी से तैयार हो जाओ। जी भाई। माझी, आपने सुखाने के लिए कपड़े डाल भी दिए? हाँ, मैंने कपड़े सुखा दिए, क्योंकि मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं लोगों का इंतजार करूं कि वो अपनी समाज सेवा खत्म करें और उसके बाद कपड़े सुखाने के लिए आए। अब लाइए माझी, मैं सुखा देती हूँ। रेवा दो, कोई जरूरत नहीं है। वैसे भी इस वक्त तुम्हें रसोड़े में होना चाहिए था। यहां क्या कर रही हो? अने बीजी बात, एक जिम्मेदारी तो ढंग से निभा लो।
अगर तुम्हें मेरी मदद ही करनी थी तो ये कपड़े जब धुल गए उसके तुरंत बाद तुमने क्यों नहीं सुखाए? वो मैं एमजी बस हाँ हाँ तुम्हें अपने कामों से फुर्सत मिले तब तुम दूसरों के काम करोगी ना। चुप क्यों हो गई? कोई जवाब नहीं है ना तुम्हारे पास? शू छे आ मूरत बनकर क्यों खड़ी हो गोपी हो? जाओ जाकर रसोड़े के कामों में मदद करो, जाओ। परेशान लग रही हो, कुछ बात हो गई? नहीं कुछ नहीं काकी जी, कुछ काम है तो बताइए। हाँ दिकरा, देखना सब शाक काटना है, मैं और राशि लगे हुए हैं, तू भी हाथ बटा दे तो जल्दी हो जाएगा। लगता है तुम्हें कंगन बहुत पसंद आए हैं राशि। हाँ मम्मी जी देखिए ना इस कंगन का डिजाइन कितना प्यारा है, बहुत सुंदर है। वो क्या है ऐसे ही कंगन मैंने पहले एक मैगजीन में देखे थे, तभी मुझे बहुत पसंद आए थे। तब मैं यही सोच रही थी कि इस डिजाइन के कंगन मुझे कहीं मिल जाए, और आज देखिए ये मेरे पास है। राशि अपना ध्यान बातों में कम और काम में ज्यादा लगाओ। सब्जी तो मोटा भाभी और गोपी बहू काट ही रही है, जाओ आटा गूंदो। चलो राशि। मम्मी जी देखिए ना मेरे कंगन में सारा आटा लग गया, मैं क्या करूं? क्या है ये राशि, कंगन 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 किए जा रही हो? तुम कंगन के लिए हो या कंगन तुम्हारे लिए है? देख रही हूं तब से कंगन की चिंता लगी हुई है तुम्हें। राशि अपने कमरे में जाओ और कंगन उतार कर आराम से उसे साफ कर लो। जी गोपी। वो दरअसल बात ये है कि हाँ जल्दी बोलो। नहीं वो
ये सोच रही थी कि इतने सारे पैसे लेकर फारिक भाई के पास मैं अकेली कैसे जाऊं। मुझे डर लग रहा है। गोपी, तो तुमने मुझे सुबह क्यों नहीं बताया? वो अभी 2 बज रहे हैं और मेरा काम लगभग पूरा हो चुका है। तुम तैयार हो जाओ, हम साथ चलकर कंगन ले लेते हैं। जी ठीक है। और मॉम को खबर मैं कर दूंगा, तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, 2:30 बजे तक मैं तुम्हें लेने आ जाऊंगा।